वही छतरपुर के जिला पंचायत सभागार में बुधवार दोपहर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्या सुनाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी गई, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान गर्रोली से एक पीड़ित किसान ने अपने शिकायती आवेदन में बताया कि गर्रोली समिति प्रबंधक यशवंत सिंह द्वारा अपने परिवार के लोगों को कृषक ऋण माफी योजना का लाभ देकर लाखों रुपए का घोटाला किया है। इस शिकायत पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर को निर्देश देते हुए सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। तीसरी बार दायित्व मिलने के बाद और पहली बार छतरपुर आना हुआ तो जहां जनता जनार्दन का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं का आभार किया। इस दौरान बहुत सारे लोगों अलग अलग तरह की समस्याओं से पीड़ित लोग मिले जो अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। तब मैंने आज का दिन निश्चित किया, कल शाम रात्रि तक भी जिन लोगों से बात हुई, जिन गांव में गए, जिन स्थानों पर, मैंने तय किया कि आज जिला पंचायत में बैठेंगे और वहां पर हमारे क्षेत्र के जो लोग आएंगे उनकी कठिनाइयों को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करके उन समस्याओं के निराकरण के लिए पहल की जाएगी। क्योंकि जो दायित्व हमको मिला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा समय तो मैं पहले के समान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे जब भी समय मिलेगा मैं इस तरह से बैठ कर के लोगों की समस्याओं को सुनना, उनके निराकरण के लिए पहल करना। और अधिकारियों को हमने निर्देशित भी किया है कि जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं उनको बाकायदा रजिस्टर में नोट भी किया जाए, उस पर क्या कार्रवाई हुई, की गई कार्रवाई से उसको संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए और मुझे भी उससे अवगत कराया जाए, ताकि हमको मालूम हो सके जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं के लिए शासन के द्वारा क्या क्या पहल की गई, अगर किसी काम में कोई असुविधा आ रही तो किस कारण से आ रही है वो भी जानकारी मिल सके। चुरन जिला निरंजन, हम आए थे मंत्री साहब लोग, कलेक्टर साहब लोग, अपनी जन सुनवाई के लिए। साहब समस्या जी थी हमारी गर्रोली समिति सेवक ने, मतलब जो ब्याज माफी जो मुख्यमंत्री ऋण ब्याज माफी था वो करप तरीके से किसानों के नाम डाले, अपने घर के सदस्यों के नाम फर्जी तरीके से डाल लिए और बाद में निकाल लिए है। और जो हमारे थे बचत बैंक है वो भी साफ कर लिए है, किसी को पैसे नहीं दे रहे जिसके जमा है। और जो मतलब हमारे यहाँ पर फर्जी तरीके से कई किसानों के लोन निकले है साहब, और जो PDS का गल्ला है वो भी मतलब रातों रात बैंक देते हैं ये लोग। यशवंत सिंह